बिल्कुल मत करो मत करो मत करो। राजधानी के पटना सिटी बाईपास में पुलिस बर्बरता के खिलाफ वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को बाईपास थाने का घेराव किया। इसको लेकर बाईपास इलाके में घंटों अफरा तफरी का माहौल बना रहा। कार्यकर्ताओं ने एक ही सुर में बाईपास थाना के प्रभारी के खिलाफ नारे लगाते हुए उसे अविलंब सस्पेंड करने की मांग कर रहे थे। थाना प्रभारी मुर्दाबाद, 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 थाना प्रभारी होश में आ, होश में आ, होश में आ, गरीबों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, गरीबों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, मासूम बच्चे को आतंकवाद मानने पर मजबूर मत करो। देखिए बीते दिन आपको पता होगा पटना सिटी में एक चाय बेचने वाले टिंकू जी हैं। वो अपने घर परिवार पोषण के लिए बेचारा वो बालक चाय बेचता है और उस बालक को ये लोग पकड़ के इस तरह बेरहमी से पीता है, लगता है वो चाय नहीं बल्कि आतंकवादी है। इस तरह पैर में मारा है बेचारा और उसको आंगली तोड़ दिया, बताए उसका क्या गुना था। और इसने केस में आरोप ये लगाया है कि दारू बेचता है। भैया एक बताइए कि वो जबकि वो लड़का आज तक गरीब लोगों को पकड़ा जा रहा है, जब तक वो लड़का आज तक दारू नहीं पिया होगा, आतंकवाद को यार पैदा नहीं करता है। ऐसे ऐसे पुलिस प्रशासन ऐसे ऐसे थाना प्रभारी लोग, ऐसे ऐसे घुसखोर लोग ने पैदा किया। गौरतलब है कि आज से लगभग 20 दिन पहले बाईपास थाने की पुलिस मथनी पर एक चाय दुकानदार को गिरफ्तार करने गई थी। इसी क्रम में वहां के लोगों ने जब इसका विरोध किया तो बाईपास थाने की पुलिस ने महिलाओं और बच्चों को जमकर पिटाई कर दी। इस घटना में पुलिस ने काफी बर्बरता दिखाते हुए महिलाओं और बच्चों को खदेड़ खदेड़ कर पीटा था। कई महिलाएं बुरी तरह घायल हो गई थी और कई महिलाओं का सर भी फूट चुका था। पुलिस की इस पिटाई के बाद लोगों में आक्रोश बढ़ता चला गया। इस बीच कई बार पुलिस ने शांति समिति के बैठक कर लोगों को समझाने बुझाने की प्रयास करती रही, पर स्थानीय लोगों ने बाईपास थाने के खिलाफ कई बार वरीय अधिकारी से मिलकर थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते आ रहे थे। इसके बावजूद भी वरीय अधिकारियों ने कोई कार्रवाई वहां के स्थानीय थाना प्रभारी के खिलाफ नहीं की। इन सारी स्थितियों को भांपते हुए शनिवार को वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाईपास थाने का घेराव कर दिया। इसको लेकर बाईपास इलाकों में घंटों अफरा तफरी का माहौल बना रहा। मांग हम लोग यही है कि थाना प्रभारी को पहले सस्पेंड किया जाए। ऐसे थाना प्रभारी ऐसे बिहार के थाना में नहीं चाहिए, ये लोग सरकार को बदनाम कर देगा। जो भूमि माफियाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, दारू माफियाओं को बढ़ावा दे रहे हैं और हमारे समाज पे हमारे लोग पे अत्याचार हो रहा है। थाना में थाना देखता हूँ कि जल्द से जल्द न्याय हो, सुरेंद्र नारायण फैसला हो। प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों का कहना था कि जब तक पुलिस के आला अधिकारी बाईपास थाना प्रभारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। इस तरह लगातार शोषण किया जा रहा है, कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ गलत हो रहा है, गरीबों के साथ गलत हो रहा है, ये अत्याचार हम लोग नहीं सहेंगे। थाना अध्यक्ष को सस्पेंड किया जाए, ये भी हमारी मांग है। और दूसरा, न्याय जल्द से जल्द मिले। पटना डेस्क से यस चैनल 24 की रिपोर्ट।